इंदौर का मुख्य परीक्षा केंद्र दीनदयाल परिसर यानी शुभ कारज गार्डन था, जो राजीव गांधी चौराहे पर स्थित था। इसके अलावा भी 20 अलग अलग केंद्र पूरे इंदौर में तय किए गए थे, जहां पर परीक्षा ली गई। इस स्पर्धा में शहर के कई स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी और सामान्य जन हिस्सा लेने पहुंचे। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार ने बताया कि स्पर्धा का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का था। पूरे अंक लाने वाले 3 प्रथम प्रतियोगियों को वीर सावरकर अंडमान निकोबार यात्रा करवाई जाएगी। वह लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन और 100 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें भाग लेने के लिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे।